Now, next topic is pneumonia. अब न्यूमोनिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पुट ऑन होते हैं और हर बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से न्यूमोनिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है। ओके, तो इसको हम एक चार्ट टाइप में समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपको चीजें याद भी रहेंगी। कॉजेस, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड। कॉजेस, अब न्यूमोनिया को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड एंड सेकेंड वन इज दी हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ओके, देन कम्युनिटी एक्वायर्ड को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल एंड ए टिपिकल। ओके, एंड टिपिकल में कुछ टिपिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनको ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे कि कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशंस फर्स्ट थिंग, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर्स रहता है टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया का। एंड सेकंड थिंग, टिपिकल वो रहते हैं जहाँ पे सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं चेस्ट एक्सरे को, इक्वली प्रोपोर्शनेट, मीन्स जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे चेस्ट एक्सरे के अंदर, या जितना चेस्ट एक्सरे के अंदर सीवियरिटी होती है उतने ही सिम्टम्स में सीवियरिटी देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं सिम्टम्स प्रोपोर्शनेट दी चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स। देन सेकेंड, देर इज ए नो सिस्टमिक फीचर्स। नो सिस्टमिक फीचर्स। ओके, तो ये सारे होते हैं टिपिकल फीचर्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। आंसर इज स्टेप्टो निमोनी। ओके, अदर देन दिस स्ट्रेप्टो निमोनी, अदर इन्फेक्शंस आर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, देन स्टेफाइलोकोकस, क्लेबसेला। ओके, दीज आर द इन्फेक्शन, बट अपने को याद क्या रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, अब इसी तरीके से देखिए ए टिपिकल। ए टिपिकल में फीचर्स क्या रहेंगे, ए टिपिकल के फीचर्स क्या रहेंगे, देर इज ए नो कंसोलिडेशन, नो कंसोलिडेशन, एंड सिम्टम्स आर, सिम्टम्स आर मोर देन चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स। देन सिस्टमिक फीचर्स आर प्रेजेंट, सिस्टमिक फीचर्स आर प्रेजेंट। तो ये तीनों चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि वो किस टाइप का कम्युनिटी एक्वायर्ड है, इट इज ए एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ओके, नाउ नाउ क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दी एटिपिकल निमोनिया। तो हमारे को वर्ड फाइंड करना है कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया
आंसर इज माइकोप्लाज्मा। माइको प्लाज्मा एंड माइको प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वॉकिंग निमोनिया। क्या पूछा जाता है, वॉकिंग निमोनिया किससे होता है? तो हमारा आंसर क्या जानना चाहिए, माइको प्लाज्मा से, वॉकिंग निमोनिया से भी जानते हैं इसको। एक्चुअल में वॉकिंग निमोनिया क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज पेशेंट जो आता है वो चलकर आता है, ठीक है, और जब एडमिट हो जाता है तो उसके बाद में जब विद इन 2 आवर्स उनको क्या होता है, उनको सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगते हैं एंड वहां पे उसकी हेल्थ जल्दी डिटोरिएट होने लगती है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि वहां पे वॉकिंग निमोनिया डेवलप हुआ है, कम्युनिटी एक्वायर्ड में उसको निमोनिया हुआ, हॉस्पिटल एडमिट होते ही बहुत जल्दी से उनके सिम्टम्स एंड उसकी हेल्थ क्या होने लग जाती है, डिटोरिएट होने लग जाती है। तो तब वो न इजीली चल पाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि वॉक करके तो आया था बट अब कन्फाइंड टू बेड हो रखा है। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटोपिकल निमोनिया इज माइको प्लाज्मा। ओके, देन हम बात करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया की। इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ओपनली रहेगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड के अंदर दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जिसको वैक बोला जाता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वेप, एंड सेकेंड वन इज दी नॉन वेप, मीन्स नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेप जहां पे वेप हॉस्पिटल एक्वायर्ड में वेप कब हो सकता है, जहां पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो, ये मेनली अर्ली होते हैं, जहाँ पे लेस देन 5 डेज के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, लेस देन 5 डेज में हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। और नॉन वेप ये होते हैं लेट। ओके, हमारे को ये पता हो या ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए, हमारे को पता होना चाहिए हमारे को पता रहना चाहिए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ वेब आंसर इज स्टेप्टो न्यूमोनी। ओके, अर्ली क्या, अगर लेट है, अगर बाय चांस लेट आता है तो लेट किसको कहेंगे, ग्रेटर देन 5 डेज लेटर ऑन वेप की जरूरत पड़ती है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया डेवलप होता है, तो वहां पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आंसर क्या होना चाहिए, सुडोमोनास। ओके, आंसर इज सुडोमोनास, बट नॉन वेप ऑलवेज लेट होता है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है फॉर नॉन वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया एंड आंसर हमेशा सेम रहेगा, और वो क्या रहेगा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, इसी तरीके से ये तो हुआ निमोनिया के कॉजेज, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड हो या हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो, इनसे बाहर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। देन क्वेश्चंस जो आते हैं, कुछ होस्ट फैक्टर्स दे रखे होते हैं एंड उसके ऑर्गेनिज्म पूछ रखे होते हैं, तो उसके लिए अपने को एक टेबल, सिंपली एक टेबल पता होनी चाहिए। टेबल में हेडिंग डालिए
होस्ट फैक्टर एंड यहां पे लिखिए ऑर्गेनिज्म, ओके। फर्स्ट होस्ट फैक्टर की बात करें तो वहां पे क्या पूछेंगे आपको, एज लेस देन अगर 6 मंथ्स है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस, अगर एज लिखी हुई है एडल्ट के अंदर एंड ऑर्गेनिज्म पूछा है तो आंसर क्या जाएगा, स्ट्रेप्टो निमोनी, स्ट्रेप्टो निमोनी। अगर एल्डरली मींस ग्रेटर देन 65 ईयर ऑफ एज तो वहां पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज माइकोबैक्टीरियम, टीबी, माइकोबैक्टीरियम टीबी। देन अगर पेशेंट या होस्ट फैक्टर का न्यूट्रोपिनिया है तो वहां पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, न्यूट्रोपिनिया है तो वहां पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, श्यूडोमोनास। अगर पेशेंट ब्रोंकाइटिस के साथ में है देन ऑर्गेनिज्म इज श्यूडोमोनास सेम। देन अगर पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ में, सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन उसके अंदर भी अलग अलग एज ग्रुप रहेगा, जैसे एडल्ट है तब तो रहेगा हमारा कौन सा, म्यूकोइड, म्यूकोइड श्यूडोमोनास, एक्चुअल में म्यूकॉइड वाले जो डेंजर रहते हैं क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं एक म्यूकस लेयर बना देते हैं, एक म्यूकस लेयर बना देते हैं जिसकी वजह से कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इनके ऊपर वर्क नहीं कर पाती है। तो सबसे डेंजरस होते हैं जो म्यूकॉइड श्यूडोमोनास रहते हैं, तो ट्रीटमेंट इनसेंसिटिविटी बन जाती है, वहां पे ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स ही नहीं करता है। देन नेक्स्ट एडल्ट के अलावा चाइल्ड, चाइल्ड में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर पूछा जाता है कि रेयर इन्फेक्शन किसका रहता है, तो रेयर इन्फेक्शन रहेगा माइकोबैक्टीरियम टीबी का, रेयर इन्फेक्शन रहता है इन केसेस ऑफ दी सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो रहता है माइकोबैक्टीरियम टीबी का। सिस्टिक फाइब्रोसिस की जगह यही पेशेंट हमारा क्या हो, एचआईवी पेशेंट हो, यही हमारा पेशेंट क्या हो, एचआईवी, तो वहां पे हमारे को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को कहीं अगर CD4 काउंट तो मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमारे को क्या देखना है कि वहां पे क्वेश्चन के अंदर CD4 काउंट मेंशन नहीं है तब तो आंसर क्या देंगे अपन, केवल मेंशन है कि एचआईवी पेशेंट है और उसके अंदर निमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, तो वहां पे हमारा आंसर सिंपली जाएगा स्ट्रेप्टो निमोनी। बट CD4 काउंट मेंशन है तो वहां पे हमारे को काउंट देखना है कि वो काउंट अगर 200 टू 500 है के बीच का मेंशन है तो वहां पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज
माइकोबैक्टीरियम टीबी, और यही 52 200 मेंशन है। तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज निमोसिस्टी कैरिनी। निमोसिस्टिस कैरिनी। देन अगर लेस देन 50 मेंशन है तो वहां पे ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? माइको बैक्टीरियम एवियम। माइक्रोबैक्टीरियम एवियम। ओके, जो कि इंट्रा सेलुलर रहता है मेनली। ओके, और एक इसी तरीके से पूछा जाता है एसोसिएटेड विद दी प्लांट वर्कर, तब आंसर क्या जाएगा? लॉजिनेला। आंसर क्या जाएगा? लॉजिनेला। तो इनसे बाहर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा निमोनिया के ऑर्गेनिज्म से। और निमोनिया में जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चन इन्हीं से बनता है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बताइए, टिपिकल, एटिपिकल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वेब, नॉन वेब। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स के बाद में आता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी निमोनिया। तो अगर सिम्टम्स की बात करें निमोनिया के, सिम्टम्स, तो वहां पे सिम्टम्स क्या रहेंगे? आप सबको पता है, फीवर, कफ, स्पुटम। ओके, अब स्पुटम की करेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं, जैसे कि स्पुटम अगर रस्टी कलर है तो वो किसको शो करेगा? कि वो लोबार निमोनिया है। वो लोबार निमोनिया है। एंड लोबार निमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, इसी तरीके से स्पुटम अगर ग्रीन कलर का है तो वो क्या शो करता है? कि इन्फेक्शन स्यूडोमोनास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, तो अपने को पता होनी चाहिए। देन अगर स्पुटम रेड करंट जेली है तो इन्फेक्शन किसका होगा? क्लेबसेला का। अगर स्पुटम क्या हो? रेड बट विदाउट ब्लड। रेड कलर बट विदाउट ब्लड, जिसको हम दूसरा किस नाम से आपको क्वेश्चंस में दिखेगा? स्यूडो हिमोप्टाइसिस। वहां पे मेंशन होगा स्यूडो हिमोप्टाइसिस। ओके, क्योंकि रेड कलर है बट उसके अंदर ब्लड नहीं है, ठीक है ना? तो नोन एज ए स्यूडो हिमोप्टाइसिस। एंड इन्फेक्शन इज दी सरेशिया। ओके, तो ये कहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि रस्टी कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर जेली है, या स्यूडो हिमोप्टाइसिस है, और कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? ओके, देन आता है हमारा सिम्टम्स के बाद में साइन। साइन में जैसे हम रेस्पिरेटरी में बात करते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में किसकी बात करते हैं? मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट। तो मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट नहीं होगा, वो कैसा रहेगा? सेंट्रली रहेगा। ओके, देन पेल्पेशन। पेल्पेशन में क्या देखते हैं? वोकल फ्रेमाइटस। तो यहाँ पे भी क्या एयर ट्रैक ट्रैक
ट्रैपिंग वगैरह तो नहीं है मिल रही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन जहाँ पे मिलेगा वोकल फ्रेमिटस क्या होगी? प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। वोकल फ्रेमिटस का बेसिक फंडा अगर क्लियर है तो आपका आंसर आ जाएगा चैट बॉक्स में। प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। वोकल फ्रेमिटस यहाँ पे आपको निमोनिया में बताया था मैंने। इंक्रीज, वेरी गुड कृतिका। तो डेफिनेटली वोकल फ्रेमाइटिस का आपको बेसिक फंडा क्लियर है, तो आपको भी पता है कि निमोनिया में क्या इंश्योर है हमारे को। अगर हम टिपिकल निमोनिया की बात करें तो टिपिकल निमोनिया में हमारे को क्या देखने को मिला था, फीचर्स कैसे थे कि जहाँ पे कंसोलिडेशंस मिल रहा था, जहाँ पे सिम्टम्स कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे चेस्ट एक्सरे के साथ में। ओके, तो कंसोलिडेशंस की वजह से क्या मिलेगा? वोकल फ्रेमाइटिस इंक्रीज, वोकल फ्रेमाइटिस इज इंक्रीज। अगर परकशन करेंगे तो परकशन में क्या मिलेगा? डल नोड मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेशन है तो डेफिनेटली डल नोड ही होगी, हाइपर रेजोनेंट तो हो नहीं सकती ना, तो वो वाली चीज है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ऑस्कल्टेशन। एंड ऑस्कल्टेशन में हम क्या देखते हैं? ब्रीथिंग साउंड। एंड यहाँ पे ब्रीथिंग साउंड्स क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेंगी। यहाँ पे ब्रीथिंग साउंड्स क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहेगी। ओके, ये होने के बाद में अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पे, और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में कई सारे साइंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोई भी निमोनिया का केस हम चेस्ट एक्सरे देख के ही डायग्नोस करते हैं। ओके, तो किस किस तरीके की चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी? देखिए, मैं एक लंग को ट्रायंगल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लंग है, तो अपर लोब एंड लोअर लोब, देन अपर लोब में क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके की ओपेसिटी देखने को मिलेगी। ये इस तरीके की ओपेसिटी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे होमोजेनस ओपेसिटी देखने को मिल रही है, जो कि इस तरीके से होमोजेनसली है विद दी शार्प मार्जिन्स, इस तरीके की शार्प मार्जिन्स देखने को मिलेगी। तो एक वर्ड लिखिए, फर्स्ट फाइंडिंग इन चेस्ट एक्सरे इज दी होमोजेनस ओपेसिटी विद दी शार्प मार्जिन्स। ओके, एंड अगर इस तरीके का चेस्ट एक्सरे दिखता है तो ये क्या चीज शो करेगा? इट शोइंग दी लोबर निमोनिया। एंड चैट बॉक्स में अपना आंसर डालिए कि लोबर निमोनिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा था? लोबर निमोनिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, आंसर प्लीज। देन वी स्टार्ट विद द सेकंड चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग, लोबर निमोनिया मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आप कनेक्टेड हैं आपके लेक्चर के साथ में, क्योंकि हमने प्रीवियस स्लाइड में ही मेंशन किया था। देखिए, अब नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे किस तरीके का शो हो सकता है कि यहाँ पे अपर लोब में तो सिंपली, 2 सेकेंड रेड से बताता हूँ, इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा अपर लोब में। ओके, एंड जो इंटरलोबर फिशर है वहां पे क्या मिलेगा? वहां पे इस तरीके से बल्जिंग मिलेगी। ये क्या मिलेगी? इस तरीके से बल्जिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो पहली फाइंडिंग क्या थी हमारी? अपर लोब इन्फिल्ट्रेशन। एंड सेकंड थिंग क्या मिल रही थी? बल्जिंग बल्जिंग ऑफ इंटर लोबार फिशर।
ओके, देन ये किस चीज का इन्फेक्शन को शो करेगा? ये शो करता है इट इज ए इन्फेक्शन ऑफ द क्लेब्सिला। ओके, इट शोइंग्स द इन्फेक्शन ऑफ द क्लेब्सिला। ओके, देन थर्ड फाइंडिंग किस तरीके से देखने को मिल सकती है चेस्ट एक्सरे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारे को चेस्ट एक्सरे देखने को मिलेगा, तो लंग्स में हमारे को क्या इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, स्मॉल एयर स्पेसेस, और इनकी जो वॉल रहती है वो थिन होती है, न कि एकदम इस तरीके से थिक नहीं रहेगी, ये इस तरीके की थिक नहीं रहती है, यहाँ पे मिलती है थिन। ओके, यहाँ पे मिलती है थिन एयर स्पेसेस। तो थर्ड फाइंडिंग क्या मिली हमारे को, स्मॉल एयर स्पेसेस विथ थिन वॉल। और इस तरीके की अगर थिन वॉल एयर स्पेसेस दिखती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं निमोटोसील। निमेटोसील, अगर निमेटोसील प्रेजेंट है तो उसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन है। अब आप कहेंगे कि सर एक चीज और बता देता हूं कि ये किस चीज को शो करती है, जो थिक वॉल है, थिक वॉल एंड जो निमेटोसील्स हैं उसका डिफरेंस किसके साथ में आना चाहिए आपको, कैविटी जो बनती है तो कैविटी के साथ में आना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन। तो वो एक्चुअल में कैविटी जो फॉर्मेशन होती है लंग्स के अंदर, वो किस तरीके की शो होती है और उसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो एक सिंपली आपको नॉलेज के लिए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो कैविटी रहती है वो रहती है फर्स्ट थिंग इज दी इस तरीके से, जो कि थिक वॉल होती है फर्स्ट थिंग, वो भी सेम एयर स्पेसेस होती हैं बट थिक वॉल होती है उसकी, पहली चीज। और सेकंड थिंग कि जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, वो केवल टू थर्ड पोर्शन को कवर करती है, मतलब कंप्लीटली कवर नहीं होती है, वो इस तरीके से जो एयर निमेटोसील्स होती हैं कंप्लीट सर्कल होता है उस तरीके से नहीं होती है, ये ओनली टू थर्ड कंप्लीट होती हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं हम कैविटी। एंड एंड कैविटी के अंदर क्या मिलेगा हमारे को, कैविटी के अंदर हमारे को मिलेगा डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, डिग्रेडेड प्रोडक्ट आल्सो। ओके, तो आपको समझ में आ गया, कैविटी आर दी एयर स्पेसेस विद दी थिक वॉल एंड एटलीस्ट टू थर्ड सर्कमफ्रेंस इज कंप्लीट। एंड अब आप कहेंगे सर कैविटी फॉर्मेशन किस में देखने को मिलती है, तो एक लाइन इंपॉर्टेंट नोट में डाल के लीजिए, ये सारा डायग्राम एंड ऑल ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा था, तो इन सबको नोट में डाल के रखना। तो कैविटी फॉर्मेशन के लिए लाइन लिखी जाती है, कैविटी इज कॉज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ द इंफेक्शन एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट वन इज दी वायरल इंफेक्शन एंड सेकेंड वन इज दी सेकेंड वन इज दी क्लेमाइडिया। सेकेंड वन इज दी क्लेमाइडिया। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैविटी इज कॉज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ द इंफेक्शन एक्सेप्ट द वायरल इंफेक्शन एंड क्लेमाइडियल इंफेक्शन। ओके, यहां तक अभी तक क्लियर हुआ? देन हम किसकी बात कर सकते हैं, स्पूटम। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमने चेस्ट एक्सरे देखा, देन निमोनिया के केस में हम क्या कराते हैं, स्पूटम एग्जामिनेशन, एंड स्पूटम एग्जामिनेशन कंफर्मेटरी रहता है, तो इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए AFB ग्राम स्टेनिंग करके देख लीजिए, ग्राम स्टेनिंग
एंड थर्ड थिंग क्या करेंगे, कल्चर करा के देख लीजिए। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, यूरिन एंटीजन, यूरिन एंटीजन्स। तो हमारे को पता होना चाहिए कौन कौन से निमोनियल इन्फेक्शंस में हमारे को यूरिन एंटीजन्स, उनके एंटीजन्स यूरिन में प्रेजेंट मिलेंगे। तो वो है इन्फेक्शन, फर्स्ट वन इज दी लॉजिनेला, एंड सेकेंड वन इज दी स्ट्रेप्टो निमोनी। सेकेंड वन इज दी स्ट्रेप्टो निमोनी। एंड फोर्थ इन्वेस्टिगेशन मतलब इतनी यूजफुल है नहीं, बट पता होना चाहिए, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर कराते नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी लेस देन 15% सेंसिटिविटी रहती है, लेस देन 15% इनकी सेंसिटिविटी रहती है। ओके, देन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है निमोनिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है आपका प्लूरल इफ्यूजन। ओके, प्लूरल इफ्यूजन। अब बेसिक फंडा प्लूरल इफ्यूजन का क्या रहता है, ये आपको पता है कि ये प्लूरल कैविटी है एंड यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं। ओके, अगर मेरा प्लूरल कैविटी के अंदर, ये जो मेरी प्लूरल कैविटी है, यहाँ पे अगर मेरा कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली डिफ्यूजन इस वे में होगा। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके से प्लूरल इफ्यूजन हो सकते हैं, ट्रांसुडेटिव फॉर्म में एंड एग्जुडेटिव फॉर्म में। तो हम एक एक करके सारों को देखते हैं किस तरीके से होता है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। फर्स्ट वन इज दी, अगर हमारा प्लूरल इफ्यूजन ट्रांसुडेटिव है, जो कि अभी मैंने बताया था, एंड ट्रांसुडेटिव में किस तरीके से मैकेनिज्म चलती है, ट्रांसुडेटिव एंड इट्स मैकेनिज्म, इट्स मैकेनिज्म। ओके, तो ट्रांसुडेटिव का मोस्ट कॉमन अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एंड मैकेनिज्म क्या रहती है, इंक्रीज दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी तरीके से सेकेंड कॉजेज ऑफ द ट्रांसुडेटिव इज सिरोसिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, इन दोनों के क्या मैकेनिज्म रहती है, डिक्रीज दी ऑन्कोटिक प्रेशर्स, ऑन्कोटिक प्रेशर। ओके, देन पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस कॉज क्या रहेंगे, यहां पे कॉज वही सेम, इंक्रीज दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये क्यों होता है, ड्यू टू दिस पेरिटोनियल कैविटी थ्रू दी डायफ्राम, जब पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तब। देन नेक्स्ट ट्रांसुडेटिव कॉज इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एंड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के अंदर क्या रहेगा, जैसे आपको बताया अभी, इंक्रीज दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज दी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये तो बात हुई हमारी किसकी, ट्रांसुडेटिव
ट्रांसुडेटिव कॉजेज की, ट्रांसुडेटिव कॉजेज ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट इज एग्जुडेटिव, एंड एग्जीक्यूटिव के अंदर पहला ही पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्राइटेरिया है, तो नाम पता होना चाहिए क्राइटेरिया का, लाइट्स क्राइटेरिया, लाइट्स। ओके, लाइट्स क्राइटेरिया, एंड लाइट्स क्राइटेरिया में क्या बोला जाता है, एनी वन ऑफ थ्री, तो उसको हम क्या कह देंगे कि यह एग्जीक्यूटिव कॉज हुआ किसका, प्लूरल इफ्यूजन का, एनी वन ऑफ थ्री। अब ये क्या है, फर्स्ट प्लूरल प्लूरल फ्लूड प्रोटीन अपॉन सीरम प्रोटीन रेशियो अगर ग्रेटर देन 0.5 हो, या सेकंड कंडीशन जहां प्लूरल फ्लूड एलडीएच, प्लूरल फ्लूड एलडीएच अपॉन सीरम एलडीएच रेशियो ग्रेटर देन 0.6 हो। देन थर्ड इज प्लूरल फ्लूड एल डी एच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अपर नॉर्मल लिमिट ऑफ सीरम एल डी एच, सीरम एल डी एच। तो ये तीन क्राइटेरिया है लाइट्स क्राइटेरिया के अंदर, उनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह देंगे कि वहां पे एग्जुडेटिव कॉज है। ओके, एंड व्हाट आर द एग्जुडेटिव कॉज, वहां पे लिखिए कॉजेस। तो एग्जुडेटिव का अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाता है तो आंसर क्या जाएगा, इन्फेक्शंस।